स्मार्ट पेमेंट बैंक की एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें आप सभी के जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर देने वाला हूं। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन मुझे आया था कि सेटलमेंट कैसे करें, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। सेटलमेंट कैसे करें, सेटलमेंट के लिए यहाँ पर ये चीज़ है कि आप जो भी कैश विड्रॉल करेंगे वो इंस्टेंट आपने जो अकाउंट दे रखा है यहाँ पर उसमें सेटलमेंट हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकेंड क्वेश्चन था कि सर स्मार्ट पेमेंट बैंक में वॉलेट के अमाउंट को मूव टू बैंक कैसे करें, बताए प्लीज, बहुत मेहरबानी होगी। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका जवाब इस प्रकार रहेगा कि एईपीएस की जो कैश विड्रॉलिंग है, आप जितना भी अमाउंट कैश विड्रॉल करते हैं पर डे का, वो आप इंस्टेंट आपने जो अकाउंट दिया है उसमें सेटलमेंट हो जाता है। सर विड्रॉल अमाउंट ई मित्रा वॉलेट में आपने बैंक में कैसे ऐड करें, तो वही सेम चीज़ है दोस्तों। जितना भी आप कैश विड्रॉल करते हैं डेली का, वो कैश आपका है जो आपने जो भी अकाउंट दे रखा है, सेविंग है चाहे करंट अकाउंट है, वो इंस्टेंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। यहाँ से है जो आपका अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर जमा कर दिया जाता है। इस आईडी में किसी भी प्रकार का आपका अमाउंट यहाँ पर नहीं रहता है। यहाँ पर पेंडिंग होगा पेमेंट आपका तो यहाँ पर शो करेगा, और वेरीफाइड पेमेंट यहाँ पर वो किसी भी स्टेटस में होगा तो यहाँ पर शो करेगा। इसके अलावा आपने पर डे का जितने भी पेमेंट विड्रॉल किया वो यहाँ पर शो करेगा। तो आई होप कि आप सभी को अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।